गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान स्टूडियो की सहायता से खादी पर मिथिला पेंटिंग वर्कशॉप का ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। इस निशुल्क वर्कशॉप का संचालन बिहार की युवा कलाकार कावेरी सिंह करेंगी। वर्कशॉप का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटिंग इंडिया एट 75 के तहत किया जा रहा है। वर्कशॉप में कावेरी प्रतिभागी कलाकारों को बिहार की लोक कला मिथिला स्टाइल में पेंटिंग करने के बारे में जानकारी देंगी। नमस्कार, मैं कावेरी सिंह, मैं पटना बिहार से हूँ और कल गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मैं राजस्थान स्टूडियो के साथ एक वर्कशॉप कराने वाली हूँ जिस पे हम खादी पर चर्चा करेंगे, खादी से जुड़ी विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके इतिहास पर चर्चा करेंगे, साथ साथ बिहार के सबसे फेमस फोक आर्ट मधुबनी पेंटिंग, जिसे हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, उसे सीखने का एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। टोंक में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर जा रहे एक युवक पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पुरानी टोंक निवासी राशिद नवेद और फरमान अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा कर निकले थे। कुछ दूर जाते ही अचानक नकाबपोश कुछ बदमाशों ने घेर लिया। बदमाशों ने राशिद पर तलवार और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें राशिद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सआदत अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना पर सीओ चंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रयोगशालाओं में केमिस्ट कैडर के 10 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत ने मुख्य केमिस्ट का एक, अधीक्षण रसायन की 3 और वरिष्ठ रसायन के 6 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। गहलोत के इस निर्णय से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल की गुणवत्ता, उसकी मॉनिटरिंग प्रणाली का सुचारू क्रियान्वयन और बेहतर पर्यवेक्षण हो सकेगा। साथ ही पेयजल स्रोतों की जांच और पेयजल के गुणवत्ता परीक्षण कार्य को बेहतर तरीके से पूरा भी किया जा सकेगा। इन पदों के सृजन से विभाग के केमिस्ट कैडर में पदों की संख्या अब 62 हो जाएगी। राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर 22 सूत्री मांगों को लेकर विगत कई दिनों से आंदोलन कर रहे सरपंचों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। सरपंचों ने आह्वान किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक सरपंच सरकारी कार्यों सहित प्रशासन गांव के संघ अभियान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। राज्य सरकार की ओर से आतिशबाजी पर 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगाने का मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। सीनियर एडवोकेट सुनील कुमार सिंह ने दायर याचिका में बताया कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में भव्य आतिशबाजी की गई, साथ ही कोरोना महामारी में दुनिया भर में कई देशों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया, लेकिन उसके बावजूद भी आतिशबाजी नहीं रोकी गई, तो इस मामले को लेकर भी उन्होंने याचिका दायर की। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक पटाखे और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। प्रदेश के गृह विभाग ने संबंध में आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी होने के बाद राजधानी जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया निरस्त कर दी है। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया है। गृह विभाग के तरफ से एडवाइजरी आई है, उसके अंतर्गत 1 जनवरी तक पटाखों के ऊपर रोक लगाई गई है, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लगाई गई है। कोरोना का दुष्प्रभाव जो है वो फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा आता है, और उसी प्रकार से जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, उसका भी प्रभाव फेफड़ों पे आता है। तो लोगों को कोरोना के जो एक जो बुरी स्थिति होती है, कहर होता है, उससे बचाने के लिए जो निर्देश सरकार ने दिए हैं, उसके तहत इस बार कोई भी अस्थायी लाइसेंस नहीं जारी किए जा रहे हैं और कहीं पे भी पटाखों को चलाना भी अनुमति नहीं होगा। अगर कोई चलाता है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जयपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नो हॉकिंग जोन अभियान के तीसरे दिन जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में विधायक अमीन कागजी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनकर सहित एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर में 7 दिवसीय नो हॉकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 7 दिनों में 10 चयनित जगहों को नो हॉकिंग जोन बनाया जाएगा, जहां पर बेवजह हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। अभियान के पहले चरण में 3 महीने तक पुलिस लोगों से समझाइश करते हुए काउंसलिंग करेगी। महात्मा गांधी के विचार दर्शन का बीज मंत्र था सेवा। असत्य की अस्वीकारोक्ति और सत्य की स्वीकारोक्ति उनका मूल भाव था। यह बात राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ गांधीवादी विचारक गिरधारी सिंह बाफना ने कही। आपको बता दें कि जयपुर में राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी, कला और संस्कृति विभाग और राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से गांधी के सूत्र पंचक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।